Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7. And this is by BrainRoot series. Here is a book and the name is Cyber Creators. Today we are going to start chapter number 6 of your book. And the name of the chapter is Cybercrime, Ethics and Security. आपको तो पता ही होगा साइबर क्राइम क्या होता है. साइबर क्राइम का मतलब होता है आपने इंटरनेट पे कोई क्राइम किया, मींस किसी के बैंक अकाउंट से पैसे ले लिए हो या किसी की फोटोज आपने ले ली हो, इसे हम कहते हैं साइबर क्राइम. ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अंदर आते हैं. तो क्या क्या इसके एथिक्स हैं और कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक अवेज. In this chapter, you will learn internet क्या होता है, computer के कौन कौन से ethics हैं जो हमें follow करने चाहिए, unethical computer practice क्या होती है या फिर cyber crime क्या होता है. Cyber crime against an individual, किसी person के साथ अगर आपने cyber crime किया वो क्या कहलाता है. Cyber crime against property, किसी की property के साथ आपने किया है तो क्या होता है इसे. And cyber crime against organization, किसी organization या किसी society के साथ cyber crime क्या होता है. Cyber security क्या होता है, कैसे secure रखें अपने आप को. And digital footprint क्या है. So these all things we are going to learn in this chapter children. Before we begin, let's do this exercise. Write down any 7 uses of internet in the space provided. कौन कौन से यूजेस हैं इंटरनेट के, आपको ये जो स्पेस दिया गया है इसमें आपको लिखना है. तो पहला है डाउनलोडिंग फाइल्स, कुछ भी डाउनलोड करना है. ओके, वीडियोस देख सकते हैं आप. सिमिलरली और भी जो चीजें हैं, टोटल 7 थिंग्स यू हैव टू राइट हियर. लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनेट. इंटरनेट क्या होता है. सो इंटरनेट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस. ये सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन डेटाबेस है. इट हैज़ बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है इंटरनेट. इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. और इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. इट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. ये बहुत सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो आपस में जब कनेक्ट होते हैं उसे इंटरनेट कहा जाता है. दैट इनेबल्स द यूजर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड वेरियस रिसोर्सेज विच ईच अदर. हम दूसरों के साथ इंफॉर्मेशंस और दूसरे रिसोर्सेज इंटरनेट के थ्रू शेयर कर सकते हैं. इट यूजेस कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड इंटरफेस टू प्रोवाइड द फिजिकल बैकबोन ऑफ फॉर मेनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस. ये जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस का आप कह सकते हो फिजिकल बैकबोन है. इसके बिना ये एप्लीकेशंस नहीं चलते हैं. टास्क दैट वर यूजुअली परफॉर्म थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन सच एज बैंकिंग शॉपिंग और कम्युनिकेशन कैन नाउ बी डन ऑनलाइन. तो पहले क्या होता था, अगर हमें कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने हैं, बैंक में पैसे डालने हैं, बैंक से पैसे निकालने हैं, पासबुक को अपडेट करना है एंड इसके अलावा शॉपिंग करनी है या फिर किसी से बात करनी है, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता, लंबी लाइन का वेट करना होता था. मॉल्स जाना होता था, मार्केट जाना होता था, वहाँ लंबी लाइन हमें देखने को मिलती थी. बैंक्स में लंबी लाइन का सामना करना पड़ता था, हमारा टाइम वेस्ट होता था. लेकिन आज इंटरनेट की वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुकी हैं, ईजी हो चुकी हैं. घर बैठे बैठे ये सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हैं. वी कैन शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब इंस्टेंटली नाउ. एंड इंडीड इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू अ स्मॉलर एंड कन्वीनियंट विलेज टू लिव इन. इंटरनेट ने क्या किया है, इस दुनिया को एक छोटा एक रूप दे दिया है. मीन्स यहाँ बैठे मैं अमेरिका से शॉपिंग कर सकती हूँ या वहाँ से चीज़ें मंगा सकती हूँ. तो बिना वहाँ जाए मैंने वहाँ से चीज़ें खरीद ली. सो ये क्या है, इंटरनेट ने इस पूरी दुनिया को छोटा कर दिया है, स्मॉल कर दिया है. टुडे द बज वर्ड इज ओनली द इंटरनेट. आजकल अगर बात कहीं भी होती तो इंटरनेट की होती है. द नेटवर्क ऑफ इंटरनेट इज गेटिंग वाइडर विद पासिंग ऑफ मूवमेंट. और इसका जो नेटवर्क है वो बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है.
to analyze how fast the use of internet is going. Pick any newspaper or magazine, carefully observe the advertisements going given there. अगर आपको ये जानना है कि इंटरनेट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कोई न्यूज़पेपर उठाना है, कोई मैगजीन उठाना है और उसे ध्यान से देखना है, उसके एडवर्टीजमेंट्स को देखना है. यू वुड रियलाइज दैट ऑलमोस्ट एवरी एंटरप्राइज हैज इट्स वेबसाइट. आप जितने भी एडवर्टीजमेंट्स देखोगे उसमें आपको दिखाई देगा कि जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हैं उनमें हर एक कंपनी की एक खुद की वेबसाइट है, इन एडिशन टू इट्स एड्रेस एंड फोन नंबर. फ़ोन नंबर और एड्रेस के अलावा वेबसाइट हर एक कंपनी की है, ईमेल एड्रेस है हर एक कंपनी का. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट ऑन द इंटरनेट. हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इंटरनेट पे शो करने के लिए आगे आ रही है. इंटरनेट इज अ बून टू द वर्ल्ड. ये इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ इज टच्ड बाय द इंटरनेट. इंटरेस्टिंगली इंटरनेट प्रोवाइड्स 24/7 सर्विस. इंटरनेट हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल है, सातों दिन अवेलेबल है. तो 24/7 अवेलेबल है ये सर्विस. अब क्या क्या एडवांटेजेस है इंटरनेट के? पहला है एजुकेशन. एजुकेशन के फील्ड में इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसने क्या किया है, लर्निंग ट्रेडिशन को चेंज कर दिया है. ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाने लगा है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए. जैसे कि जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये कुछ भी लर्न कर सकते हैं, कभी भी लर्न कर सकते हैं, कहीं से भी लर्न कर सकते हैं, बस उन्हें इंटरनेट को एक्सेस करना होता है. इट हैज शोन ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन एज मोर यूनिवर्सिटीज ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज. जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप घर बैठे आराम से अपने बिस्तर पे ऑनलाइन कोर्सेज इंजॉय कर सकते हो. इग्नू इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज विच ऑफर दिस फैसिलिटी. तो इस फैसिलिटी को ऑफर करने वाली एक यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, वो है इग्नू. इंटरनेट इज अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज ऑल्सो यूज टू पब्लिश रिसर्च पेपर एंड आर्टिकल्स. रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स को भी छापने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ रही है एजुकेशन फील्ड में. नेक्स्ट है कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट मोड है कम्युनिकेशन का. इंटरनेट इज़ अ कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है और कन्वीनियंट मोड है कम्युनिकेशन का. यूज़र कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग वेरियस सर्विसेज. जो यूज़र्स हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं इन सर्विसेज को यूज़ करके. एंड वॉट ऑल दे कैन यूज़, दे कैन यूज़ ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेंजर. इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप किसी भी पर्सन से दूर बैठे कहीं पे भी बात कर सकते हो. अगला आता है बिजनेस. द इंटरनेट हैज़ ब्रॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस टू ऑफर गुड्स एंड सर्विस ऑनलाइन. इंटरनेट क्या करता है, बहुत सारे बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी देता है. ऑनलाइन बैठे बैठे आप अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हो. विच हैज़ प्रूव टू बी अ बेनिफिशियल. मीटिंग्स कैन बी कंडक्टेड इन एक्सपेंसिवली थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी विदाउट फिजिकली विजिटिंग द प्लेस. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैन ऑल्सो बी मेड ऑनलाइन फ्राम द ऑफिस और होम. तो अगर आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है तो इंटरनेट पे कर लीजिए, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. इंटरनेट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं. आपको अगर किसी को कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो वो भी आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. अगला है ई कॉमर्स. इट इज़ द कॉन्सेप्ट यूज फॉर एनी टाइप ऑफ कमर्शियल और बिजनेस डील. ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो किसी भी तरीके के कमर्शियल या बिजनेस डील में यूज किया जाता है. दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब बाई यूजिंग इंटरनेट. तो इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन को पहुंचाना लोगों तक. नाउडेज मेनी कंपनीज हैव देयर ओन पोर्टल्स. अब आजकल क्या होता है, बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके खुद के पोर्टल्स या फिर वेबसाइट हैं विच आर यूज फॉर ई कॉमर्स, जिन्हें ई कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है. ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज़ बिकम वेरी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. और देखते देखते ये जो इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ये बढ़ती चली जा रही है. पूरी दुनिया में काफ़ी बढ़ चुकी है. वी कैन नाउ परचेज एवरी पॉसिबल गुड एंड गेट सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट शॉपिंग पोर्टल्स. तो अलग अलग शॉपिंग पोर्टल्स पे जाके, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कहीं पे भी जाके आप आराम से
चीज़ें खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स बुकिंग टिकट फॉर बस, ट्रेन, फ्लाइट। तो इन सब जगहों के लिए हम टिकट्स बुक भी कर सकते हैं, होटल में रूम भी बुक कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स एंड इंटरनेट। नेक्स्ट आता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। इंटरनेट एड्स वैल्यू टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ये मीडिया और एंटरटेनमेंट में वैल्यू ऐड करता है। डाउनलोड कर सकते हैं हम गेम्स को, वीडियोस को, सॉन्ग्स को, चैट रूम्स को विजिट कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्फ कर सकते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं मीडिया और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू रीड डिफरेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स ऑनलाइन। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और बुक्स, ये भी अब आपको घर पे न्यूज़पेपर हॉकर बुलाने की जरूरत नहीं है। आप फ़ोन पे ही आसानी से इन न्यूज़पेपर्स के ऐप को डाउनलोड करके इंटरनेट की मदद से ये सारा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग। इट इज़ द लेटेस्ट वे टू कम्युनिकेट। आजकल सोशल नेटवर्किंग इतना ज़्यादा फैल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट तरीका हो चुका है कम्युनिकेट करने का। ये क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके फ्रेंड्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, एंड स्ट्रेंजर्स को भी कनेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड व्यूज। जैसे भी आप इंटरेस्ट और व्यूज शेयर करें उसके अकॉर्डिंग लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर एंड दीज आर द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। नेक्स्ट आता है फोरम। इन इंटरनेट फोरम इज एन ऑनलाइन डिस्कशन साइट। फोरम क्या है? एक ऑनलाइन डिस्कशन साइट है वेयर like minded people can hold conversation in the form of posted message. एक जैसे सोच समझ वाले लोग जो है messages को post कर सकते हैं यहाँ पे और conversation कर सकते हैं। अगला आता है health and fitness. Yes, health and fitness को भी internet ने नहीं छोड़ा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है ये। अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा healthy role play कर रहा है, and extensive information of health and fitness is also given through internet. अगर आपको health से related कोई detail चाहिए internet को browse करिए और आपको सारी detail मिल जाएगी। Balanced diet क्या है, कैसे लेना है, कितना लेना है, ये सब कुछ आपको internet पे easily available हो जाएगा। Using various medical sites, अलग अलग medical sites पे आप जा सकते हो, information को read कर सकते हो, diseases के बारे में read कर सकते हो, कैसे उन्हें ठीक करना है और कौन कौन से मेजर्स अपनाने हैं इन डिजीज़ को ठीक करने में, तो ये सारे डिटेल्स आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगी। अब चिल्ड्रन, हमने बहुत सारे एडवांटेजेस पढ़े इंटरनेट के, लेकिन हर चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। सो इंटरनेट हैज़ सेवरल एडवांटेजेस for every individual and is extremely popular in this modern age. However, it is a tool which must be handled with caution. ये एक ऐसी चीज़ जिसे बहुत ही carefully हमें handle करना चाहिए, as it could be dangerous, क्योंकि ये dangerous हो सकता है. Some of the threats of internet are as follow. कुछ threats हैं internet के, क्या हैं? पहला है virus threat. Yes, अगर आपके internet को ठीक से यूज़ नहीं किया तो आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उनमें वायरस अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, हार्डवेयर मैलफंक्शन हो सकता है। स्पैमिंग, आपने देखा होगा बहुत सारे स्पैम मेल्स आते हैं आपके फ़ोन में या फिर ईमेल में। तो स्पैमिंग क्या है? Unwanted mails, ऐसे mails जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, that are of commercial nature, जो commercial nature के होते हैं, send indiscriminately to multiple mailing lists, individual or news groups. It unnecessarily uses a system resource and can also be used to spread computer virus and other malicious software. तो ये जो spamming messages है कई बार क्या होता है इसमें भी आपको virus मिल सकता है। तो don't ओपन दोज ईमेल्स जो आपको लगता है कि जिन ईमेल्स के बारे में आपको कुछ भी ना पता हो, जो सस्पिशियस ईमेल्स हैं उन्हें प्लीज़ ओपन ना करें, क्योंकि ऐसे ईमेल्स में भी कंप्यूटर वायरस हो सकता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके सिस्टम को करप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज थर्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन।
आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट के थ्रू किसी और तक पहुंच सकती है, वो उसका फायदा उठा सकता है. सो पायरेसी, प्लेगरिज्म एंड अदर इविल थ्रेट रिलेटिंग टू प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ और एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपके इंफॉर्मेशन को ले लिया जाता है. वन शुड बी केयरफुल इनफ विथ व्हाइल हैंडलिंग वन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन. अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही ध्यान से हमें हैंडल करना चाहिए. जैसे कि नेम हो गया, एड्रेस हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हैकर्स हैं या जो कोड क्रैकर्स हैं वो इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं अपने पैसे कमाने के लिए, मॉनेटरी गेन्स के लिए. ऐसे एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, आप हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वायरस को फैला सकते हैं और प्रोग्राम के लॉजिक्स और आउटपुट्स को चेंज कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, बहुत ही सावधानी से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है वहाँ पे जहाँ पे हमें सेफ लगे. अगला है पोर्नोग्राफी. इट इज़ अ मेजर इशू पोस्ड बाय द इंटरनेट. ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू है जो आजकल इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा सर्व कर रहा है. देर आर मेनी पोर्नोग्राफिक साइट्स ऑन इंटरनेट दैट कैन बी फाउंड ईजिली विद विच कुड बी चैलेंजिंग टू द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन. बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं जो क्या करते हैं, बच्चों के दिमाग पे असर डालते हैं. तो बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसे वो खराब करते हैं. तो ये सारी वेबसाइट्स कहाँ मिलेंगी, इंटरनेट पे ही मिलेंगी. तो इसीलिए इंटरनेट को जब भी यूज़ करें ध्यान से यूज़ करें, बच्चों के साथ आप जब भी वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो आप ज़रूर बैठें. नेक्स्ट है साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म क्या है, इट कॉजेज अ सीरियस थ्रेट टू द वर्ल्ड नाउअडेज. ये साइबर टेररिज्म क्या है, ये इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो थ्रेट है. मॉडर्न टेररिस्ट क्या करते हैं, मॉडर्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं पावर प्लांट्स को, बैंक्स को, कमर्शियल एरियाज को या फिर बिल्डिंग को जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस की हैं. एंड इससे क्या होता है, दिस कैन बी कंडक्टेड रिमोटली विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन. और ये सिंपल वो अपने अपने एक घर में बैठ के या अपने एक लोकेलिटी में बैठ के वो इजीली हमारे फ़ोन को हैक करके या किसी और अप्लायंस को हैक करके वो ये सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. विच आर लेस एक्सपेंसिव दैन प्रीवियस टेरर थ्रेट्स. तो पहले लोग क्या करते थे, टेरर अटैक के थ्रेट्स देते थे. अब क्या है, घर बैठे बैठे वो आराम से इंटरनेट से हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ वो खाली कर देते हैं या उसे ख़राब कर देते हैं वायरस में सेंड करके. नेक्स्ट है टाइम वेस्टेज. इंटरनेट से टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. ऑल द इंटरनेट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू इट्स यूजर. भले ही इंटरनेट अपने यूजर्स को बहुत सारे सर्विसेज देता है लेकिन पीपल क्या करते हैं, अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं इंटरनेट को सर्व करने में. दिस कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ आवर पर्सनल इंटरेक्शन. अब हम फोन पे बैठे बैठे रील पे रील, रील पे रील देखे जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो पर्सनल इंटरेक्शन है अपनी फैमिली के साथ, आपके घर में जो लोग हैं उन सब के साथ वो टूट जाएगा. एंड इट कैन ऑल्सो इफेक्ट बोथ आवर सोशलाइजिंग स्किल्स एंड हेल्थ. हमारी हेल्थ भी खराब होगी और हम सोशलाइज भी होना भूल जाएंगे लोगों के साथ. जैसे कि आजकल आपने देखा है एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार ही मोबाइल फ़ोन होते हैं और सबके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है. वो चारों जब एक साथ बैठते हैं एक कमरे में तो भी उन सब के हाथ में उनका फ़ोन होता है और वो नेट को चला के, इंटरनेट को चला के और सर्फ करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं कोई रील अच्छी तो नहीं आ गई, कहीं कोई वीडियो तो नहीं आ गई. तो वो चारों के चारों क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करने की जगह इंटरनेट पर जुड़ जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं. वो पर्सनलाइज नहीं हो पाते हैं, सोशलाइजेशन वो भूल जाते हैं. तो ये जो इंटरनेट है ये हमारा टाइम भी वेस्ट करता है. नाउ स्टूडेंट लेट्स लर्न अबाउट कंप्यूटर एथिक्स. क्या क्या एथिक्स हैं. द वर्ड एथिक्स रिफर टू मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. एथिक्स क्या है, कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है जो क्या करते हैं, किसी की बिहेवियर को कंडक्ट करते हैं. ऐसे कंप्यूटर के जो एथिक्स हैं वो क्या है, वो एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, वैल्यूज हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो रेगुलेट करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर को जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है.
तो ये जो कंप्यूटर एथिक्स है मीन्स उसको कैसे सेफली यूज करना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, वो सारे कंप्यूटर एथिक्स में आते हैं। तो क्या क्या चीजें, पहला है नेवर स्टील एनीवंस डेटा और इन्फॉर्मेशन, किसी के डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टील ना करें, ना चुराएं। डोंट कॉपी समवंस ओरिजिनल वर्क एंड क्लेम इट एज योर ओन क्रिएशन, किसी के पर्सनल वर्क को, ओरिजिनल वर्क को कॉपी ना करें और ये ना बोलें कि वो आपकी खुद की मेहनत है। नेवर यूज अ कंप्यूटर टू स्पाई और टू हार्म अदर पीपल, कंप्यूटर को किसी पे नजर रखने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना यूज करें। और इसे अवॉइड यूजिंग पायरेटेड और सस्पिशियस सॉफ्टवेयर, पायरेटेड या फिर सस्पिशियस सॉफ्टवेयर को यूज ना करें। डू नॉट शेयर सेंसिटिव एंड और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, जो भी सेंसिटिव या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसे ऑनलाइन ना शेयर करें। डू नॉट मेक वाइल इंसल्टिंग और एम्बेरसिंग रिमार्क्स अबाउट एनीवन, किसी के बारे में एम्बेरसिंग रिमार्क्स ना दे। बी कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन, किसी से अगर आप बात करें तो उसके साथ कर्टसी से बात करें, रिस्पेक्टफुल होकर बात करें, बदतमीजी ना करें। डोंट यूज समवंस कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट देयर कंसेंट, किसी की कंसेंट के बिना उसका कंप्यूटर यूज ना करें। डोंट ओपन एनी ईमेल अटैचमेंट रिसीव फ्रॉम एन अननोन अनएक्सपेक्टेड सोर्स, किसी भी अनजानी पहचानी जगहों से आए हुए किसी भी मेल पे रिप्लाई ना करें, ना उन्हें ओपन करें। रिमेन अवेयर एंड अलर्ट अबाउट वेरियस साइबर अटैक्स, साइबर अटैक्स के बारे में क्या रहें, अलर्ट रहें, अवेयर रहें। अब अनएथिकल कंप्यूटर प्रैक्टिसेस और साइबर क्राइम, ये तो थे कुछ कंप्यूटर एथिक्स, अब हम पढ़ेंगे अनएथिकल कंप्यूटर प्रैक्टिसेस। कई लोग हैं जो ऐसी प्रैक्टिसेस को करते हैं, साइबर क्राइम को करते हैं। सो इंटरनेट इज अ वाइटल सोर्स ऑफ सर्च एंड एक्सेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट से हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमारे टास्क को ईजी बनाता है, जिसमें हम फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। एंड ये हाउएवर द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दीज ऑनलाइन एक्टिविटीज इज दैट आवर पर्सनल डेटा इज ईजिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब क्योंकि हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम बैंकिंग कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं डिटेल्स, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो सब कुछ इंटरनेट पे आ गई है। आप कुछ भी सामान आपको मंगाना है तो आप अपना पिन कोड डालोगे, आप अपना एड्रेस डालोगे, अपना फ़ोन नंबर डालोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अपना इंटरनेट पे डाल देते हैं। हम अपने बैंकिंग करने के लिए हम जो है अपना कार्ड नंबर डाल देते हैं, हम अपना CVV नंबर डाल देते हैं, हम जो है अपने कार्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, सारे डिटेल इंटरनेट पे घूम रही होती है, मेकिंग इट वल्नरेबल टू थेफ्ट एंड ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। और ये क्या होता है, अगर मान लो इन ऐप्स को किसी ने हैक कर लिया तो ये सारी डिटेल्स उस हैकर के पास पहुंच जाएंगी। मोर ओवर एनी वन विथ मेलिशियस इंटेंट कैन ट्रैक आवर ऑनलाइन एक्टिविटीज, अगर किसी के इरादे ठीक नहीं हैं, कोई हैकर है या साइबर क्राइम एक्सपर्ट है, तो वो क्या करेगा, हमारी जो भी इंटरनेट एक्टिविटीज है उन्हें वो ईजिली ट्रैक कर पाएगा और ये हमारे लिए सेफ नहीं है। साइबर क्राइम रिफर्स टू एन अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी, साइबर क्राइम एक अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी है जिसमें क्या है, जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, नेटवर्क इन्वॉल्व होता है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये पनिशेबल हैं, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, सज़ा मिलती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए अपने इंटरनेट कनेक्शन का, हमें अपने कंप्यूटर को स्कैन करके रखना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई ऐसी क्राइम ना कमिट करे। वाइल द सोर्स सम कॉजेज कंप्यूटर इटसेल्फ इज द टारगेट ऑफ द क्राइम, और कई बार क्या होता है लोग इसका शिकार हो जाते हैं। दिस चैप्टर शेड्स लाइट ऑन द वेरियस अनएथिकल साइबर प्रैक्टिसेस, जितने भी अनएथिकल साइबर प्रैक्टिसेस हैं उन्हें जो है हटाने के बारे में ये चैप्टर लिखा गया है। साइबर क्राइम्स इन द सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, साइबर क्राइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
पहला है साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल किसी पर्सन के साथ साइबर क्राइम करना, किसी की प्रॉपर्टी के साथ साइबर क्राइम करना, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइबर क्राइम करना। तो चलिए पहले पढ़ते हैं साइबर क्राइम कैसे किसी इंडिविजुअल के साथ किया जाता है, किसी पर्सन के साथ किया जाता है। द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल विथ एन इंटेंट ऑफ टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म यूजिंग इंटरनेट इज कंसिडर्ड अ क्राइम। अगर किसी पर्सन के साथ हमने क्या किया, इंटरनेट को यूज करके उसके मान सम्मान के साथ हमने खिलवाड़ किया, हमने क्या किया उसके जो साइबर मींस हमने इंटरनेट को यूज करके उसको फिजिकली मेंटली हार्म पहुंचाने की कोशिश की, तो ये सारी चीज़ें आती है साइबर क्राइम में। एंड दिस क्राइम कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। और अब इस क्राइम को भी कई सारी कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है स्पैमिंग। स्पैमिंग रिफर्स टू सेंडिंग अनसॉलिसिटेटेड बल्क ईमेल इनडिस्क्रिमिनेटली। तो किसी पर्सन को बार बार स्पैम मैसेजेस भेजना, ऐसे मैसेजेस भेजना बल्क अमाउंट में मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐसे मैसेजेस भेजना जो जिसका कोई मतलब नहीं है। मोस्टली द स्पैम्स कैरी एडवर्टीजमेंट, ज़्यादातर जो स्पैम्स होते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट होता है। बट सम स्पैम्स एक्ट एज कैरियर्स ऑफ मालवेयर, लेकिन कुछ स्पैम्स जो होते हैं उसमें मालवेयर भी होता है। और ये क्या है, देयर मेन पर्पज इज टू स्प्रेड मालवेयर, इनका मेन पर्पज होता है मालवेयर को स्प्रेड करना, जैसे कि वायरस को स्प्रेड करना, वर्म्स को स्प्रेड करना कंप्यूटर के सिस्टम में। एंड ये कहा जाता है कि ऐसे किसी भी अटैचमेंट को हमें ओपन नहीं करना चाहिए जिसमें आपको स्पैम मैसेजेस दिखे या फिर डेंजर लगे कि आपको ये मैसेज को खोलना डेंजरस हो सकता है। स्पैम वेज द नेटवर्क बैंडविड्थ एज वेल एज रिसीवर्स टाइम। स्पैम क्या करता है, नेटवर्क जो है नेटवर्क बैंडविड्थ को जो है वेस्ट करता है और रिसीवर जो है उसका टाइम भी वेस्ट करता है। द टर्म मालवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स को मिला के बना है, पहला है मिलीशियस एंड देन सॉफ्टवेयर। हेंस मालवेयर रिफर्स टू वेरियस काइंड ऑफ हार्मफुल अनसॉलिसिटेटेड एंड और इंट्रोसिव सॉफ्टवेयर दैट आर रिटन एंड डेवलप्ड टू क्रिएट मिसचीफ और हर्ट द यूजर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। Different types of malwares are virus, trojan, worms, spyware, spam and so on. ये कुछ malwares हैं। Now अब spammings can be inflicted in any of the following forms. Spamming किसी भी तरीके से हो सकती है। पहला है इसमें email spoofing, फिर है email bombing and third है flooding. अब email spoofing क्या है, ये एक act है fraud emails का, हाइडिंग द ओरिजिन ऑफ द ईमेल, जो ईमेल का ओरिजिन छुपा देते हैं। द सेंडर इंटेंशनली अलर्ट्स पार्ट ऑफ द ईमेल इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इल्यूजन दैट द ईमेल इज सेंड बाय सम लेजिटिमेट सोर्स। ये सेंडर क्या करते हैं, ऐसा उस ईमेल को ट्रांसफॉर्म करता है जिससे आपको देख के लगेगा कि किसी ट्रस्टेड पर्सन ने इस ईमेल को, लेजिटिमेट सोर्स ने इस ईमेल को सेंड किया है, जैसे कि किसी कंपनी से वो आया है या बैंक से आया है, मैगजीन से आया है, कुछ ऐसी चीज़ से आया है। हावर इट इज सेंट बाय अ साइबर क्रिमिनल, लेकिन ये मेल कौन सेंड करता है, एक साइबर क्रिमिनल सेंड करता है। द मोटिव बिहाइंड ईमेल स्पूफिंग इज मेलिशियस लाइक स्प्रेडिंग मालवेयर इन द सिस्टम और टू गेन सेंसिटिव पर्सनल डिटेल्स। इनका मेन काम होता है हमारा पर्सनल डिटेल ले लेना। अगला है ईमेल बॉम्बिंग, ये भी एक मलिशियस एक्ट है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे ईमेल्स को एक साथ सेंड किया जाता है बार बार एक ही एड्रेस पे थोड़े थोड़े समय में, और इनका एम क्या होता है, ताकि ओवरफ्लो आ यूजर्स इनबॉक्स, ताकि जो यूजर है उसका इनबॉक्स जल्दी ये भर सकें। अगला है फ्लडिंग, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग द सेम पीस ऑफ टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स। फ्लडिंग का मतलब है एक ही चीज़ को बार बार किसी को भेजना। न्यूज ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्क फोरम्स गेट फ्लडेड विद सच टेक्स्ट। सो जो न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं या जो सोशल नेटवर्क होते हैं
उसमें ऐसे टेक्स्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अ साइबर क्रिमिनल इज एन इंडिविजुअल हु कमिट्स साइबर क्राइम, ऐसा पर्सन जो साइबर क्राइम करता है उसे साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। ही यूजेज द कंप्यूटर अटैक्स एज अ टूल और अ टारगेट एंड समटाइम्स बोथ, तो इसे एज अ टूल भी यूज करता है या फिर एज अ टारगेट भी यूज करता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट रिसीविंग स्पैम, स्पैम को रिसीव करना रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं इन्हें कुछ एक्सटेंट तक। अवॉइड शेयरिंग योर ईमेल एड्रेस विद अननोन पीपल, अननोन लोगों को अपना ईमेल ना भेजें। नेवर प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस एट सस्पिशियस और कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट, अपने ईमेल को सस्पिशियस वेबसाइट्स पर यूज़ ना करें। इट्स एडवाइजेबल टू डिलीट स्पैम्स विदाउट रीडिंग दैम, स्पैम को बिना पढ़े ही डिलीट कर दें ज़्यादा बेहतर होगा। डू नॉट क्लिक ऑन अ लिंक दैट अपीयर सस्पिशियस, ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें जो आपको लगता है कि सस्पिशियस है। हाउ टू आइडेंटिफाई स्पैम, अब कैसे स्पैम को आइडेंटिफाई करना है। मैसेज दैट डू नॉट इंक्लूड योर ईमेल एड्रेस इन द TO और CC फील्ड आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्पैम, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो मैसेज आया है उसमें टू या फिर CC में आपका नाम है या नहीं है, आपकी ईमेल एड्रेस है या नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब ये एक स्पैम है। सम स्पैम्स कैन कंटेन ऑफेंसिव लैंग्वेजेस और लिंक्स ऑफ वेबसाइट्स विद इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, कुछ स्पैम्स ऐसे हैं जिसमें जिनकी लैंग्वेज ऑफेंसिव होती है और इनका जो कंटेंट है वो भी इनअप्रोप्रिएट होता है। नाउ चिल्ड्रन द नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर स्टॉकिंग, देर आर मोर देन 5.45 बिलियन इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में इससे ज़्यादा यूजर्स आपको मिलेंगे। एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग एवरी डे, और ये नंबर डेली बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कौन कहाँ से मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गवर्न एनीवन्स एथिकल कंडक्ट, किसी के एथिकल कंडक्ट को जो हम प्रॉपरली नहीं जान सकते। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन साइबर क्राइम रिलेटेड टू हरासिंग पीपल, और इसकी वजह से साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग हरास होने लगे हैं। साइबर स्टॉकिंग रिफर्स टू अ क्राइम दैट यूजेस इंटरनेट और अ कंप्यूटर टू स्टॉक और हरास अ ग्रुप। साइबर स्टॉकिंग क्या है, ये एक क्राइम है जो इंटरनेट पे किया जाता है, लोगों का पीछा करना, उन्हें हरास करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हरास करना या फिर किसी इंडिविजुअल को परेशान करना। साइबर स्टॉकिंग इज ऑल्सो नोन एज ई स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग को ई स्टॉकिंग भी कहा जाता है। अ पर्सन हु कमिट्स सच अ क्राइम इज नोन एज साइबर स्टॉकर, द मेन गोल ऑफ अ साइबर स्टॉकर इज टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द विक्टिम, इन लोगों का मेन गोल होता है विक्टिम को मैनिपुलेट करना और उसे कंट्रोल करना। साइबर स्टॉकिंग इंक्लूड, साइबर स्टॉकिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, सेंडिंग थ्रेटनिंग ईमेल्स एंड मैसेजेस टू एन इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन को थ्रेटनिंग ईमेल्स भेजना, मैसेजेस भेजना। मॉनिटरिंग समवंस ऑनलाइन एक्टिविटी, कौन क्या ऑनलाइन एक्टिविटी कर इस पर ध्यान रखना। सेंडिंग ऑब्सेंस एंड स्पिटफुल मैसेजेस, ऑब्सेंस या फिर स्पिटफुल मैसेजेस भेजना। हरासिंग एन इंडिविजुअल ऑन अ प्राइवेट प्लेटफॉर्म, किसी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे किसी इंडिविजुअल को हरास करना। अ साइबर स्टॉकर मे बी समवन नोन टू द विक्टिम और अ कंप्लीट स्ट्रेंजर आल्सो, सो साइबर स्टॉकर कोई भी हो सकता है हमारा कोई जानने वाला हो या फिर कोई अनजान इंसान हो। ही शी माइट बी अ क्रिमिनल ऑफेंडर और अ प्रीपिटेटर, वो एक क्रिमिनल ऑफेंडर या फिर प्रीपिटेटर भी हो सकता है। साइबर बुलिंग क्या है, द वर्ड बुलिंग मीन्स रिपीटेड बिहेवियर विच इज इंटेंडेड टू हर्ट समवंस इमोशनली एंड फिजिकली, सो बुलिंग का मतलब होता है किसी को परेशान करना, लगातार परेशान करना, किसी के इमोशंस को हर्ट करना, चाहे वो इमोशनली हो या फिर फिजिकली। द एक्ट ऑफ हरासिंग एम्बेरसिंग थ्रेटनिंग और टारगेटिंग अ पर्सन यूजिंग अ कंप्यूटर और इंटरनेट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग, और आप अगर ये काम इंटरनेट पे कर रहे हो तो इसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। साइबर बुलिंग इज ऑल्सो नोन एज साइबर हरासमेंट, और इसे साइबर हरासमेंट भी कहते हैं या फिर ऑनलाइन बुलिंग भी कहते हैं।
साइबर बुलिंग इज मोर कॉमन अमंग टीनेजर्स, टीनेजर्स ये ज़्यादा करते हैं, इनके साथ ज़्यादा होता है। बुलिंग इंक्लूड्स पोस्टिंग रूमर्स फैला देना, किसी के बारे में कोई अफवाह फैला देना, सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस, किसी को धमकी भरे मैसेजेस भेजना, पोस्टिंग एम्बैरसिंग रिमार्क्स, किसी को एम्बैरसिंग रिमार्क्स भेजना, हर्टिंग सेंटीमेंट्स थ्रू मैसेज और कमेंट्स इन पब्लिक और इन सोशल मीडिया, किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करना उसके मैसेजेस या फिर कमेंट्स को पब्लिक या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना। साइबर बुलिंग इन एनी फॉर्म कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द विक्टिम, विक्टिम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इसके थ्रू। टू अवॉइड फॉलिंग प्रे टू साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट यू नीड टू फॉलो द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए गए, अगर इन्हें हम फॉलो करें तो हो सकता है हम इस साइबर बुलिंग से बच जाएं। डू नॉट डिस्क्लोज एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया और टू अ स्ट्रेंजर, कभी भी किसी स्ट्रेंजर के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। इमीडिएटली स्टॉप एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद द साइबर बुली और ब्लॉक द पर्सन, अगर आपको लगता है कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है तुरंत उसे ब्लॉक कर दें, कम्युनिकेशन रोक दें। शेयर योर बुलिंग एक्सपीरियंस विद योर एल्डर्स एंड पेरेंट्स और टू पुलिस अथॉरिटीज, आपका जो भी बुलिंग एक्सपीरियंस आपने पेरेंट्स को बताएं, एल्डर्स को बताएं या फिर पुलिस को बताएं। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अभी तक हम साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल पढ़ रहे थे। सो दिस टाइप ऑफ क्राइम एंटेल्स स्टीलिंग समवंस इनटैंजिबल प्रॉपर्टी यूजिंग अ कंप्यूटर और इंटरनेट, तो किसी की इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को इंटरनेट पे चुरा लेना, इसे ही हम कहते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट आर प्रेवलेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं एंड हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थ्रेट एंड स्टीलिंग, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो इस तरीके के थ्रेट या फिर स्टीलिंग से। तो चलिए चिल्ड्रन पढ़ते हैं व्हाट इज इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी IPR। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू द राइट्स गिवन टू पीपल ओवर क्रिएशन ऑफ द माइंड, इट्स एम एट स्टिमुलेटिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, ये क्या करता है जो ह्यूमन माइंड उसकी क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करता है। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल by ensuring that the advantages obtained from exploiting a certain benefit the creator. Intellectual property क्या करती है, ये बताती है ऐसे rights के बारे में जो दिए जाते हैं लोगों को over creation of a mind, mind के creation के ऊपर। It is aimed at stimulating the creativity, ये क्या करता है हमारी जो creativity उसे stimulate करता है। For the benefit of all, सबके benefit के लिए, by ensuring that the advantages obtained from exploiting and creation benefits the creator. Inventions, logos, design, literary works, music images and name used in commerce all fall under intellectual property. So, ये जितनी चीज़ें यहाँ पे mention है children, ये सारी जो हैं intellectual property के अंदर आती हैं। The intellectual property rights are granted to the creators or owners over a creation of their mind for the limited period of time. ये जो intellectual property right है ये लोगों को दिया जाता है उनके खुद के creations के लिए। The goal of intellectual property right is to protect the intellectual creation from an unauthorized copying and piracy. So लोग क्या करते हैं, ये जो right है intellectual property right ये government देती है लोगों को उनके क्रिएशन को बचाने के लिए। सपोज मैंने कोई चीज़ क्रिएट की है, मैंने एक पेन का आविष्कार किया है, उसको कोई और कॉपी ना कर ले, उसको कोई अपना ना बता दे, इसलिए ये राइट दिया गया है। तो इसमें क्या है, मैंने इस पेन को जिस पेन को क्रिएट किया है उसके सारे अथॉरिटीज़ मेरे पास हैं, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता या उसकी पायरेसी नहीं कर सकता। Moreover, it encourages genuine ideas, creativity and innovation. अब अगर हमारे rights को जो सेव किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम और भी ज़्यादा genuine ideas हमारे पास आएंगे, हमारी creativity बढ़ेगी और innovation भी बढ़ेगा। Types of intellectual property rights. The most common type of intellectual property rights are as follows. तो यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं
कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स के, पहला है कॉपीराइट। तो ये अगर किसी ने कोई अपनी चीज़ बनाई है तो उसका कॉपीराइट उसके पास होता है, मीन्स उसका कॉपी कोई और पर्सन नहीं निकाल सकता। सो कॉपीराइट क्या है? एक ये लीगल टर्म है जो प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ लिटरेसी, मीन्स किसी बुक्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ड्रामा के राइट को प्रोटेक्ट करता है, म्यूजिक के आर्टिस्ट या फिर किसी भी ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करता है। अब सम प्रोटेक्टेड वर्क्स आर एज फॉलोज, कौन कौन सी चीज़ें प्रोटेक्ट की जाती हैं? सॉन्ग हो गए, प्लेस हो गए, सॉफ्टवेयर, नोवेल, एडवर्टीजमेंट, आर्किटेक्चुरल डिजाइंस, मूवीज, फोटोग्राफ्स। तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट की जाती हैं अंडर कॉपीराइट। अब ये जो कॉपीराइट लॉ है वो क्या करता है? एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करता है क्रिएटर को फॉर रिप्रोडक्शन। तो क्रिएटर रिप्रोड्यूस कर सकता है उसके कॉपीज, ट्रांसलेट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और अडेप्ट कर सकता है अपने ही काम को। ओनर क्या करता है? कैन सेल दिस राइट्स बाय ट्रांसफरिंग द कॉपीराइट्स। वो ओनर उस चीज़ के जो कॉपीराइट्स उसे सेल भी कर सकता है ओनरशिप किसी और कंपनी को दे के। द टाइम पीरियड ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन लास्ट फॉर द लाइफ ऑफ द ऑथर विद एडिशन टू 70 ईयर्स। ये जो कॉपीराइट पीरियड है वो 70 ईयर्स का है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। आर ट्रेडमार्क इज अ साइन, फ्रेज, वर्ड, सिंबल और डिजाइन दैट इज केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंग्विश्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन मैन्युफैक्चरर एंड सेलर फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स। ट्रेडमार्क क्या है? ये एक तरीके का साइन है, या फिर इसे आप फ्रेज कह सकते हो, या फिर वर्ड कह सकते हो, या फिर एक सिंबल कह सकते हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है ट्रेडमार्क, या फिर कोई डिज़ाइन हो सकता है जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है लोगों को, उनके गुड्स को डिस्टिंग्विश करने में, सर्विसेज को डिस्टिंग्विश करने में। सपोज़ मैंने डाबर कंपनी का एक प्रोडक्ट ख़रीदा, तो वो डाबर कंपनी क्या करेगी? अपना एक लोगो बनाएगी, वो लोगो उसका एक ट्रेडमार्क है। तो उस लोगों को देख के मैं कहीं भी पहचान लूंगी कि ये प्रोडक्ट डाबर का है। ट्रेडमार्क रिजर्व्स राइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ लोगोस, ब्रांड नेम्स एंड स्लोगन। ट्रेडमार्क क्या करता है? लोगो ये जो ब्रांड्स हैं उनके लोगोस, ब्रांड नेम्स और स्लोगन्स को प्रोटेक्ट करता है। और ट्रेडमार्क डज नॉट एक्सपायर फॉर अ सेट टर्म ऑफ ईयर्स। ट्रेडमार्क जो कई सालों तक एक्सपायर नहीं होता इफ़ इट इज़ बींग यूज इन कॉमर्स, अगर इसे कॉमर्स में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है पेटेंट। अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव लीगल राइट रिलेटेड टू एन इन्वेंशन। पेटेंट क्या है? एक तरीके का राइट है जो किसी भी इन्वेंशन के लिए लिया जाता है। इन एक्सचेंज फॉर दिस राइट द इन्वेंटर मेक्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इन्वेंशन पब्लिकली अवेलेबल। अब जो इन्वेंटर है वो क्या करता है? जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उस इन्वेंशन से रिलेटेड वो पब्लिक कर देता है। थिंग्स दैट कैन बी पेटेंटेड इंक्लूड मशीन। जो चीज़ें पेटेंट की जा सकती हैं उसमें से मशीन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पेटेंट राइट है वो दी जाती है ओनर को और उसका काम होता है डिसाइड करने का कि हाउ द इन्वेंशन कैन बी यूज बाई अदर्स, कैसे उस चीज़ को दूसरे यूज कर सकते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफ इन इंडिया इज 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक आप अपना ये राइट यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट वॉज फाइल्ड। जिस दिन आपने फाइल किया था एप्लीकेशन पेटेंट का, उससे 20 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। द पेटेंट टर्म कैन बी एक्सटेंडेड और एडजस्टेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और ये जो पेटेंट टर्म है इसे एक्सटेंड किया जा सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट। अब एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट कंस्टिट्यूट द ऑर्नामेंटल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्टिकल। जो भी आर्टिकल है उसके जो ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड होता है। इट इज़ द राइट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। ये एक राइट है जो यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, सरफेस, कलर, पैटर्न और लाइंस। द गोल ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट इज टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग और इम्पोर्टिंग आर्टिकल्स।
जो गोल है इसका ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, उसका काम है बनाना चीज़ों को, सेल करना, इंपोर्ट करना चीज़ों को, विच इज़ अ कॉपी ऑफ द प्रोटेक्टेड डिज़ाइन, जो कि प्रोटेक्टेड जो डिज़ाइन है उसका एक कॉपी होता है. नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट. ट्रेड सीक्रेट इज़ अ पीस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कमर्शियल मेथड्स, जो कि कमर्शियल मेथड्स को बताता है, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एन एंटरप्राइज और इकोनॉमिक एडवांटेज एंड अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. तो ये क्या करता है, एक इकोनॉमिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है अपने कॉम्पिटिटर्स को. इफ द ट्रेड सीक्रेट इज लीक, इट कुड नेगेटिवली अफेक्ट द बिजनेस. अगर इनका सीक्रेट लीक हो जाता है तो बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता. डिस्क्लोजिंग अ ट्रेड सीक्रेट इज कंसिडर्ड अनफेयर एंड इलीगल. आप अपने ट्रेड सीक्रेट को नहीं डिस्क्लोज कर सकते, उसे अनफेयर या अनलीगल कहा जाता है. ट्रेड सीक्रेट यूजुअली इंक्लूड सेल्स मेथड. ट्रेड सीक्रेट जो है उसमें सेल्स मेथड्स हैं, कंज्यूमर लिस्ट है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो चलिए पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टीज. अब कौन कौन से तरीके के साइबर क्राइम होते हैं, तो जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो बेनिफिशियल हैं. अब क्या करते हैं लोग, साइबर क्राइम करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए. पहला है आइडेंटिटी थ्रेफ्ट. तो लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी चुरा लेते हैं. एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम है इसका, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी की भी आइडेंटिटी को चुरा लेते हैं फाइनेंशियल एडवांटेज पाने के लिए. मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स हु डू ऑनलाइन शॉपिंग, मनी ट्रांजेक्शंस एंड शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर सोशल मीडिया आर प्रोन टू सच अटैक्स. ऐसे लोग जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो ज़्यादातर इस अटैक में आ जाते हैं. The identity theft includes stealing a person's name. Identity theft का मतलब है किसी भी person के personal information को से चुरा लेना, उसके date of birth को चुरा लेना, bank details को चुरा लेना, credit debit card numbers चुरा लेना, passwords, digital signature, fingerprint and so on. तो ये सारी चीज़ें इस identity theft में आती हैं. अ पर्सनस आइडेंटिटी कैन बी यूज टू कमिट क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या नेशन के लिए ये एक थ्रेट का काम करती है. मीन्स आप इन इंफॉर्मेशन को चुरा के और क्या कर सकते हो, उसका मिसयूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है फिशिंग. सो फिशिंग इज अ फ्रॉड अटेम्प्ट टू ट्रिक इनसेंट पीपल. लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है फिशिंग. टू ऑप्टेन देयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऐसे निकाली जाती है, जैसे कि लोगों का यूज़र नेम, पासवर्ड, उनके डेबिट कार्ड डिटेल्स इस फिशिंग के थ्रू ली जाती है. फिशिंग अटैकर डिस्गाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ ट्रस्टवर्थी एंटिटी so that the victim can easily fall into their trap. ये जो लोग होते हैं, जो phishing attackers होते हैं, ये अपने आप को एक ऐसा organization बताएंगे, जैसे कि मैं SBI से बोल रहा हूँ या फिर मैं किसी ऐसे organization से बोल रहा हूँ जो काफ़ी trusted है. तो ऐसे क्या होता है, ये अपने जो victim है उन्हें काफ़ी जल्दी बेवकूफ़ बना लेते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं. phishing attackers are generally attempt by sending emails टू डिस्ट्रीब्यूट मेलिशियस अटैचमेंट और लिंक्स. ये ज़्यादातर हमारे ईमेल्स को अटैक करते हैं, जिसपे ये क्या होता है, जो मेलिशियस अटैचमेंट्स या फिर लिंक्स ये भेजते हैं. द साइबर क्राइम इज यूज टू स्टील इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू कॉज फाइनेंशियल डैमेज. साइबर क्राइम क्या करता है, हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो ले लेता है और हमें फाइनेंशियल एंड डैमेज देता है. मीन्स हमारे पैसे वगैरह ये निकाले थे हमारे बैंक अकाउंट से बिना हमारे जाने. और इवन ब्लॉक एक्सेस टू वंस ईमेल अकाउंट, या फिर हम अपने ईमेल अकाउंट पे खुद ही लॉगिन नहीं कर पाएंगे इन फ्रॉड्स की वजह से.
सो कुछ टिप्स दिए गए हैं चिल्ड्रन जिन्हें हमें फॉलो करना है. पहला है लर्न टू आइडेंटिफाई द फिशिंग ईमेल्स. फिशिंग ईमेल्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है. ये क्या करते हैं, ये ईमेल्स अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि ये बहुत ही रिलायबल वेबसाइट्स हैं, ट्रस्टवर्थी कंपनीज ने भेजा है, तो इन नामों से ही आते हैं. दे ल्यू द टारगेट एंड क्लेम देयर ह्यूज प्राइज मनी बाय रिवीलिंग देयर क्रेडेंशियल्स. ये आपको काफ़ी बड़ी प्राइज मनी भी दिखाते हैं. Never log on to the bank website by clicking on the link sent through such email. ऐसे emails पे अगर आपको किसी भी bank से related email आता है, means कोई ऐसे link आ रही है जिसमें आपको bank पे login करना, तो उस पर आपको login नहीं करना चाहिए. Bank will never ask you to share your password. Bank कभी भी आपसे आपका password नहीं पूछता है, क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं पूछता या दूसरे पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछता है. तो ऐसे ट्रैप्स में पड़ने से बच जाएं. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैगियरिज्म. सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनी पॉसिबल टॉपिक इज जस्ट वन क्लिक अवे. आजकल इन्फॉर्मेशन को कहीं भी पाना बहुत ईजी है, बस एक बार क्लिक करो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है. किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन को ढूंढना बहुत ही ईजी हो चुका है. बट क्या हो सकता है, आप जो है यू कैन नॉट यूज अवेलेबल इन्फॉर्मेशन टू क्लेम एज योर ओन क्रिएशन. आप दी गई इन्फॉर्मेशन को अपनी क्रिएशन के रूप में नहीं यूज कर सकते. दिस इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्लूड्स टेक्स्ट बट ऑल्सो इमेज, ऑडियो, वीडियो, डिजाइंस एंड अदर फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ें आती है जो यहाँ मैंशन है, जो क्या करता है, कॉपीराइट लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड है. दिस मीन्स दैट इफ एनीवन यूजेस सच इन्फॉर्मेशन विदाउट ऑब्टेनिंग रिटन परमिशन फ्रॉम द राइटफुल ओनर और विदाउट एक्नॉलेजिंग इट्स सोर्सेस, इट इज कंसिडर्ड स्टीलिंग समवन एल्स क्रिएटिव प्रॉपर्टी. अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी पर्सन लेता है बिना उस राइटफुल पर्सन के रिटन इंफॉर्मेशन के, तो इसे क्या, चोरी कहा जाता है. एंड द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लैगियरिज्म. और ऐसे किसी भी काम को, किसी के काम को चुराना, इसे प्लैगियरिज्म कहा जाता है. यू कैन यूज द फॉलोइंग टिप्स टू अवॉइड प्लैगियरिज्म. क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करने हैं. पहला है ऑब्टेनिंग परमिशन, परमिशन लेना है बिफोर यूजिंग एनी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड क्रिएशन. ऑब्टेन रिटन परमिशन फ्रॉम द राइटफुल ओनर. अगर आप किसी के भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन वाले काम को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले उससे एक रिटन परमिशन लेनी चाहिए. फिर क्या करना चाहिए, एक्नॉलेजिंग द सोर्स फ्रॉम वेयर सर्टेन मटेरियल्स और आइडिया इज बोरोड. अब ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ें कहाँ से बोरो की गई हैं. फिर वन कैन रिहैक और द कंटेंट इंस्टेड ऑफ कॉपिंग इट. कोई भी पर्सन रिहैप्स कर सकता है कंटेंट को उसे कॉपी करने की जगह. नेक्स्ट आता है फार्मिंग. फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक इन विच अटैकर्स रीडायरेक्ट द विक्टिम टू अ मलिशियस और फ्रॉड वेबसाइट ऑफ देयर चॉइस इवन इफ दे हैव एंटर्ड द करेक्ट वेबसाइट URL. तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सही वेबसाइट या फिर URL डाला है, लेकिन वो वेबसाइट कहीं और आपको लेके जा रही है, ये क्या होता है, इसे फार्मिंग कहा जाता है. द एम ऑफ दिस क्राइम इज टू गेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. और इस का क्या काम होता है, इसका काम होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करना. टू अवॉइड फार्मिंग अटैक्स ऑलवेज एंटर द लॉग इन क्रेडेंशियल्स ओनली ऑन द वेबसाइट हूज URL begins with HTTPS. सिर्फ आपको वहीं पे लॉगिन करना है, वहीं अपना URL डालना है जहाँ पे URL HTTPS से स्टार्ट हो रहा है, वहीं अपने वेबसाइट को डालें. HTTPS stands for secure. HTTPS में जो S लगा हुआ है, इसका मतलब होता है secure. These are protected sites which are indicated by a lock icon. जे इन साइट्स को लॉक आइकन से शो किया जाता है. नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी.
Next is software piracy. Piracy refers to the unauthorized duplication of products which are protected by Intellectual Property Act. So piracy kya hai? Ye unauthorized duplication hai products ka. Products ko unauthorized way se duplicate kar lena, jo ki protect hota hai individual se intellectual property law se. Software piracy is unauthorized use. Duplication and distribution of software. Software piracy क्या है? किसी भी चीज़ को unauthorized way से use करना, duplicate करके use करना या फिर distribute करना software को, that is protected by copyright law. It means that to use a copyright protected software legally one has to buy its license. अगर आपको जो है ऐसा कुछ भी खरीदना है तो आपको पहले उस software का license लेना पड़ेगा. Software piracy takes place when duplicate software is used or distributed in the form of CD, DVD or links. Software piracy कब होता है? जब जो है किसी भी software को duplicate बना के उसको CD, DVD या फिर links के form में किसी को दिया जाए. And links of the single license copy of the software is loaded into multiple computer systems. It is not possible to completely stop software piracy. However, it can be prevented by following some computer ethics. तो कुछ computer ethics से आप इस software piracy को रोक सकते हैं. पहला है, I always buy a licensed copy of software. Software का licensed copy खरीदें. Do not make copies of the software or distribute them. अपने software को distribute ना करें. If you purchase a single licensed copy of the software, then use it only on one computer system. अगर आपने single परचेज के सिंगल लाइसेंस कॉपी तो आप उसे अपने कंप्यूटर पे यूज़ करें एंड सिर्फ एक कंप्यूटर पे यूज़ करें. अवॉइड यूजिंग पायरेटेड डीवीडीज और सॉफ्टवेयर. पायरेटेड डीवीडी या सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें. बाय जेन्युइन प्रोडक्ट्स ओनली. जेन्युइन प्रोडक्ट्स को ही खरीदें. नाउ लेट अस डू में आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम. सेलिंग बल्की में सेंडिंग बल्की मेल्स टू एन एड्रेस इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड. Stealing someone's identity to gain financial advantage and unauthorized duplication of products that are protected by intellectual property rights. So what you have to do? You have to write these from what all we have learned. Next comes cybercrime against organization or society. Ab jo hai humne padha cybercrime against individual, cybercrime against property. अब हम पढ़ रहे हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटी. अपार्ट फ्रॉम अटैकिंग इंडिविजुअल एंड स्टीलिंग समवंस इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी, साइबर क्राइम इंक्लूड्स फॉगरी, ऑनलाइन फ्रॉड, चीटिंग पर्टेनिंग टू क्रेडिट कार्ड्स एंड सेंडिंग बोगस मेल्स और मैसेजेस टू ऑब्टेन पासवर्ड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इलीगली. सो अटैक तो करना होता ही है. मीन्स अटैक तो करते ही हैं इंडिविजुअल्स को, ये साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को. इसके अलावा ये ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, लोगों को चीट करते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड्स के नंबर ले लेते हैं, बोगस मेल्स भेजते हैं, उनके पासवर्ड चुरा लेते हैं एंड क्रेडिट कार्ड के जो भी चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं, उसे भी ये इलीगली चुरा लेते हैं. अब इनका जो मोटिव होता है इसके पीछे, वो होता है फियर क्रिएट करना. मींस लोगों में डर पैदा करना, मॉनेटरी बेनिफिट्स को गेन करना एंड किसी के कॉन्फिडेंशियल डाटा और इंफॉर्मेशन को छीन लेना या चुरा लेना. नेक्स्ट इज वायरस. वायरस क्या होता है? Computer virus stands for vital information resource under siege. तो ये full form है virus का. A computer virus is a human-made malicious program. ये humans के द्वारा बनाया गया एक malicious program है और a part of a code that is entered into a computer without knowledge of the user. या फिर कोई ऐसा computer program है जो बिना किसी user के जाने बिना आप उसके कंप्यूटर में डाल देते हैं. द इट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर सर्वर वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर. ये क्या करता है? कंप्यूटर सर्वर वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर्स को
इन्फेक्ट करता है। वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन मालवेयर। वायरस क्या है? सबसे ज़्यादा जाने वाला एक तरीके का मालवेयर है। इट्स डिज़ाइन टू रेप्लिकेट एंड स्प्रेड। ये क्या करता है? मल्टीप्लाई होता जाता है जितना ज़्यादा हो सके। जैसे ये क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह मल्टीप्लाई होता है। वायरस कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइज इटसेल्फ ऑन एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इट। ये अपनी कॉपीज बनाता जाता रहता है और मल्टीप्लाई होता रहता है। ये इन्फेक्ट करता है बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर में या फिर जो हमारा पूरा होस्ट सिस्टम है उसको ही इफेक्ट करता है। ये काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस होता है नेचर में, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। और ये क्या करता है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फैलता है जैसे भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करें। अब कुछ वायरसेस के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे बूट सेक्टर वायरस, प्रोग्राम फाइल वायरस, मल्टीपार्टी वायरस। ये क्या है? दीज आर हिडन इन आइटम्स लाइक स्टार्टअप एरिया और एग्जीक्यूटेबल फाइल। इन जगहों पे ये वायरस छुप जाते हैं सो दैट दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द यूज़र, ताकि इन्हें यूजर्स ना डिटेक्ट कर पाए। कुछ वायरसेस क्या हैं? वो इनएक्टिव रहते हैं अनटिल दे रिसीव अ स्पेसिफिक सिग्नल टू ट्रिगर देम। ये वायरस तब तक इनएक्टिव रहते हैं जब तक इन्हें स्पेसिफिक सिग्नल ना मिले। कुछ वायरसेस क्या हैं? एक्टिव रहते हैं मेमोरी में एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज ऑन, जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। जैसे ही कंप्यूटर को बंद किया जाता है ये वायरस भी गायब हो जाते हैं सिस्टम की मेमोरी में से। हाउएवर दे आर नॉट रिमूव्ड एनी इन दे आर नॉट रिमूव्ड एनी इन्फेक्टेड फाइल और डिस्क। ये क्या करते हैं? ये किसी भी इन्फेक्टेड फाइल या डिस्क से नहीं जाते। इट मीन्स व्हेन द सिस्टम इज रीस्टार्ट द वायरस गेट्स एक्टिवेटेड। इसका मतलब जब हम सिस्टम को फिर से स्टार्ट करेंगे ये वायरस फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ये जो वायरसेस हैं ये इन्फेक्ट कर सकते हैं हमारे फाइल्स को, प्रोग्राम्स को, सिस्टम्स को। जो बॉटम लाइन होता है इज द वायरस आर हार्मफुल फॉर अ सिस्टम बट नॉट ऑल वायरसेस आर डिस्ट्रक्टिव। ये वायरस हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल तो हैं लेकिन सारे वायरसेस डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट कम साइबर वैंडलिज्म। द वर्ड वैंडलिज्म रिफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। किसी भी चीज़, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को खराब कर देना, इसे वैंडलिज्म कहा जाता है। देयरफॉर द टर्म साइबर वैंडलिज्म रिफर्स टू एन इलीगल एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग एंड डैमेजिंग डिजिटल डेटा। इसका मतलब है, साइबर वैंडलिज्म का मतलब है किसी भी तरीके के डिजिटल डेटा को खराब करना, स्टील करना या फिर मिसयूज करना, टैम्पर करना ऑनलाइन कंटेंट को, ये भी इस साइबर वैंडलिज्म में आता है। अब जो मेन मोटिव होता है साइबर वैंडलिज्म में वो होता है मैलिग्निंग द इमेज ऑफ और रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस हाउस की रेपुटेशन को ख़राब करना, ये क्या कर सकता है? नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है किसी भी बिजनेस को, ब्रांड को, उनके गुडविल को। साइबर वैंडल्स आर पीपल हु क्रिएट मालवेयर टू डैमेज इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। ये जो साइबर वैंडल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी होती हैं उनमें मालवेयर क्रिएट कर देते हैं, उसे डैमेज कर देते हैं। दे ऑल्सो क्रिएट एलिमेंट्स दैट कैन डिसेबल डेटा। ये ऐसे एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं जो डेटा को डिसेबल कर देता है, कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब कर देता है या फिर नेटवर्क को ख़राब कर देता है। अगला आता है हैकिंग। हैकिंग एक क्राइम है जिसमें कोड्स को क्रैक किया जाता है नेटवर्क को एक्सेस गेन करने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए। डेटा जो भी स्टोर है उन सब को जो है ये हैकिंग के थ्रू जो है आप मींस ये जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स हैं वो गेन कर लेते हैं। अब जो पर्सन इस हैकिंग में इन्वॉल्व होता है उस पर्सन को हैकर कहते हैं। हैकर को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एंड क्या क्या है? पहला आता है आपका एथिकल हैकर्स। अब एथिकल हैकर्स क्या हैं? इन्हें हम वाइट हैट हैकर्स भी कहते हैं। एथिकल हैकर्स क्या करते हैं? रिफर्स टू नॉन मेलिशियस एक्टिविटी। ये नॉन मेलिशियस एक्टिविटीज़ करते हैं। इनका जो एम होता है फाइंड द लूप होल और वीकनेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क और
सिस्टम। एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम में क्या गड़बड़ी है उसे फाइंड आउट करने का काम करते हैं, लूप होल्स को फाइंड आउट करते हैं, वीकनेसेस को फाइंड आउट करते हैं। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये परफॉर्म करते हैं टेस्ट वल्नरेबिलिटी का किसी भी नेटवर्क के, और ये क्या करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिक्स करते हैं, इम्प्रूव करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को। एथिकल हैकिंग इज डन विथ प्रायर कंसेंट ऑफ द नेटवर्क ओनर। जो नेटवर्क ओनर है उसकी जो कंसेंट है उससे ही ये हैकर्स अपना काम करते हैं। अगला आता है क्रैकर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स। इन्हें ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। ये जो हैकर्स है ये अनऑथोराइज एक्सेस लेते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का विथ अ मैलिशियस इंटेंट। मीन्स इसका जो ये जो सोच के इस हैकिंग को करते हैं वो सोच अच्छी नहीं होती है। इनका एम होता है फाइनेंशियल या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर लेना, लोगों के उनके फंड्स को ट्रांसफ़र कर लेना उनके बैंक अकाउंट से, और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट है साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग इज perpetrated अगेंस्ट बिजनेस houses, स्पेशली businesses दैट हैव अ लार्ज वेब प्रेजेंस। ऐसे businesses जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेब प्रेजेंस होता है। ये एक एक्ट है रजिस्टरिंग का, सेलिंग का, या फिर यूजिंग किसी के डोमेन नेम को यूज़ करने का, दैट इज deliberately नेम्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलर ट्रेडमार्क नेम बिलो बिलोंगिंग टू समवन एल्स। तो ये साइबर स्क्वैटिंग क्या है, मीन्स अगर किसी का एक आप कह सकते हो कि ट्रेडमार्क है या किसी का एक पर्टिकुलर नेम है, किसी का डोमेन नेम है किसी कंपनी का, उस नेम में हल्के फुल्के चेंजेस करके आपने अपना एक डोमेन नेम बना लिया है, तो क्या हो गया, इसे हम साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं। दीज डोमेन्स नेम्स आर क्रिएटेड टू मेक ह्यूज मनी बाय डाइवर्टिंग सब्सटेंशियल ट्रैफिक ऑन इंटरनेट टू द साइबर स्क्वैटर्स। अब ये जो बनाए जाते हैं, साइबर स्क्वैटिंग की जाती है, क्यों की जाती है, ताकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मनी को ये विड्रॉ कर सकें। जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हो एक ईमेल एड्रेस है, मीन्स एक वेबसाइट है www.alpha.com, ये एक ओरिजिनल डोमेन नेम है। अब इसके साथ आप देख सकते हो एक दूसरी वेबसाइट है www.alpha1.com, ये क्या है, एक साइबर स्क्वैटर ने क्रिएट की है ताकि लोग गलती से alpha.com की जगह alpha1.com पे चले जाएं और वहाँ पे सेम टाइप का पेज ये क्रिएट करते हैं जिससे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। ये है साइबर स्क्वैटिंग। अगला है साइबर एक्सटॉर्शन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एन अटैक कपल्ड विथ अ डिमांड फॉर मनी अगेंस्ट एन एंटरप्राइज। साइबर एक्सटॉर्शन में क्या होता है, आपसे पैसे मांगे जाते हैं आपको साइबर तरीके से अटैक करके। साइबर एक्सटॉर्शन जो है किया जाता है पैसे के लिए, डिनाइल ऑफ सर्विसेज के लिए। अटैकर्स क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सिस्टम को एंड इनक्रिप्ट कर देते हैं फाइल्स को। इवेंचुअली क्या करते हैं, जो विक्टिम होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपने डेटा को एक्सेस करने में। ओनली व्हेन द रैंसम इज पेड टू द अटैकर द विक्टिम रिसीव्स द डिक्रिप्शन की। जैसे ही आपने उनको जो है उनकी मुंह मांगी कीमत दे दी, मीन्स रैंसम अमाउंट पे कर दिया, आपके सिस्टम को वापस से वो डिक्रिप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है साइबर टेररिज्म। इट इज़ अ टेररिस्ट अटैक विच अकर्स इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो साइबर टेररिज्म है ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है। साइबर टेररिज्म ऑकर्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, बिजनेस हाउसेज एंड इवन अगेंस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। सो ये जो साइबर टेररिज्म है इन सब जगहों पर होता है। इट इज़ यूज टू कास्ट फियर एंड वायलेंस विच कॉजेज लॉस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किस लिए किया जाता है, ताकि लोगों के अंदर डर बना रहे, वायलेंस बढ़ के, और जिसकी वजह से साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो सके। एक्ट
act of cyber terrorism are conducted by manipulating computer system. ये जो act है cyber terrorism का, ये किया जाता है manipulate करके computer के system को. ये जो attackers है ये anonymous होते हैं, means इनकी कोई जान पहचान नहीं होती है. ये execute करते हैं हजारों मीलों दूर से. Form our targets. ऐसे ये जो attackers होते हैं इन्हें track करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है. अब चले पढ़ते हैं हम साइबर सिक्योरिटी क्या है. अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग स्टोरिंग एंड शेयरिंग डाटा. ये सारे मेथड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारी आईटी सेक्टर के बढ़ते के साथ. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट एट द सेम टाइम इसके बहुत सारे वनरेबल थ्रेट्स, स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, हैकिंग अकाउंट्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस, एंड ये सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो क्या ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसका मतलब है प्रोटेक्ट करना कंप्यूटर को किसी भी तरीके के थेफ्ट से, डेटा डैमेज से, किसी भी तरीके के डेटा थेफ्ट से, डैमेज मींस हार्डवेयर डैमेज या फिर सॉफ्टवेयर डैमेज से. जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है आगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसने क्या क्या डेवलप किया है, प्रोटेक्शन मींस साइबर सिक्योरिटी बढ़ गई है, इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेट नेटवर्क बढ़ गया है, कंप्यूटर डेटा एंड प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें अब सेफ हो गई है वायरस अटैक से, अनऑथराइज एक्सेस से या फिर पोटेंशियल डैमेज से. कुछ साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज और प्रोग्राम्स क्या हैं यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं. पहला आता है एंटीवायरस. द टर्म एंटीवायरस रिफर्स टू सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट, रिमूव एंड डीएक्टिवेटेड द मैलिशियस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस का काम क्या है, जितने मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसे रिमूव करना. एंटीवायरस को ऑल्सो हम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं. ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है वायरस के खिलाफ. एंड ये काफ़ी ज़्यादा टॉप प्रायोरिटीज़ में है आज के टाइम में, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि एंटी वायरसेस को इंस्टॉल करें हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में. इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ये क्या करते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम में एंटर करने से, उन्हें डैमेज कर देते हैं और इंफॉर्मेशन को या इम्पॉर्टेंट फाइल्स को सेव करते हैं. ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रिमूव करते हैं किसी भी तरीके के मेलिशियस सॉफ्टवेयर को और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सेफ रखते हैं. बहुत सारे एंटीवायरसेस हैं आपके सामने, आप देख सकते हो, एंड कुछ के नाम याद दिए गए हैं. फर्स्ट है क्विक हील, कैस्पर की, नॉर्टन, मैकफी एंड एवीजी एंटीवायरस. तो ये कुछ एंटीवायरसेस हैं जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं. अभी जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है. पहला क्या करता है, ये फाइल को एग्जामिन करता है, प्रोग्राम को एग्जामिन करता है खोलने से पहले, एक्सेस करने से पहले, कॉपी करने से पहले या फिर डाउनलोड करने से पहले. ये क्या करता है, स्कैन करता है जो भी इनकमिंग ईमेल्स है उन्हें, जिनमें अटैचमेंट्स लगी होती हैं. ये फाइल्स को स्कैन करता है, एप्लीकेशंस को स्कैन करता है जो भी कंप्यूटर में स्टोर है, कहीं इसमें कोई वायरस तो नहीं है. ये रिमूव करता है वायरस को कंप्यूटर के सिस्टम में से. अब क्या क्या फीचर्स हैं एंटीवायरस के, एंटीवायरस के बहुत सारे फीचर्स हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है. बहुत सारे तरीके के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग लेवल्स पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं. जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं वो एक जैसे इक्वली कैपेबल नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कंप्यूटर को मालवेयर से या फिर साइबर थ्रेट से. लेकिन जब भी हम एंटीवायरस खरीदें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे फीचर्स उसमें हैं या नहीं. पहला है रियल टाइम स्कैनिंग. सो इट इज़ अ मोस्ट डायनेमिक फीचर ऑफ द गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अगर एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो उसमें रियल टाइम स्कैनिंग
ज़रूर होगा। ये क्या करता है, बार बार चेक करता है कंप्यूटर सिस्टम को कि कहीं उसके अंदर कोई मालवेयर है तो नहीं। और ये फीचर क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी मालवेयर को हमारे कंप्यूटर में घुसने से। अगला आता है ऑटोमेटिक अपडेट। अब ये क्या करता है, एवरी डे अ न्यू टाइप ऑफ मालवेयर आर इमर्जिंग दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड बाय ओल्डर वर्जन ऑफ एंटीवायरस। तो क्या होता है चिल्ड्रन, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, इंटरनेट आगे बढ़ रहा है, वैसे ये जो मालवेयर्स हैं ये भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन एक नए तरीके का वायरस बनाया जाता है। तो हमारा जो भी एंटीवायरस है वो ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को डेली अपडेट करे रिलेटेड टू द न्यू टाइप ऑफ वायरसेस। जैसे जैसे वायरसेस आ रहे हैं उस तरीके से ये अपने आप को अपग्रेड करता जाए ताकि ये उन वायरसेस को डिलीट कर सके। तो अगर हम किसी पुराने वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो बात नहीं है, तो ऐसा एंटीवायरस खरीदें जिसमें वो अपने आप को खुद अपडेट करता जाए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फॉर मल्टीपल ऐप्स। बहुत सारे ऐप्स को ये प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरस। ऐसा होना चाहिए, इतना केपेबल होना चाहिए कि सारे ऐप्स को स्कैन करके उनको प्रोटेक्ट कर सके। चौथा है फाइट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ मालवेयर। हर तरीके के मालवेयर से लड़ सके ऐसा एंटीवायरस आपको अपने कंप्यूटर में रखना चाहिए। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, जब आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है इंटरनेट से, इट बिकम्स वल्नरेबल ऑफ वेरियस काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड थ्रेट्स। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी भी इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें अनऑथराइज एक्सेस या फिर थ्रेट्स उसमें आ सकते हैं। इस सिचुएशन में क्या करना है, फायरवॉल क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो है एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस से, मीन्स कोई अनऑथराइज पर्सन उसमें एक्सेस नहीं कर सकता किसी भी नेटवर्क से। ये क्या करता है, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देता है या फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ऐसे लोगों को लॉग इन करने से रोक देता है। फायरवॉल कुड बी इम्प्लीमेंटेड एज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और इवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फायरवॉल को हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर दोनों की कैटेगरी में रख सकते हैं या फिर दोनों ही कह सकते हैं। फायरवॉल सॉफ्टवेयर फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन व्हाट कैन एंटर एंड लीव अ नेटवर्क। ये जो है इस बात का ध्यान रखता है क्या चीज़ नेटवर्क में आ सकता है और क्या चीज़ जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स फायरवॉल मॉनिटर एंड कंट्रोल्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ये इस ध्यान रखता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसका। अगला आता है एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा कि आप जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसमें लिखा रहता है इनक्रिप्टेड, मीन्स एनक्रिप्टेड का मतलब होता है सेफ्टी, हमारा जो डेटा है वो सेफ है सबसे ज़्यादा। सो देर आर चांस दैट डेटा कुड लूज इट्स प्राइवेसी बाय बीइंग ट्रांसमिटेड अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसा हो सकता है हम जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं हो सकता है वो कहीं जाके लीक हो जाए। ये जो इनक्रिप्शन मेथड है इससे क्या होता है, जो डेटा है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और अनऑथराइज एक्सेस से बच जाता है। एनक्रिप्शन क्या है, एक स्टेप है अहेड टू फायरवॉल, मीन्स फायरवॉल से एक स्टेप ऊपर की तरफ है ये टर्म्स एंड ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के रूप में। अगर हम डेटा सिक्योरिटी या सेफ्टी की बात करें तो फायरवॉल से बेटर है इनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन इज अ टेक्निक यूज टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट टू और अदर डिजिटल डेटा। ये एक टेक्निक है जो क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट या फिर डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है फ्रॉम अ रीडेबल फॉर्म टू एन इनकोडेड वर्जन। रीडेबल फॉर्म से ये हमारे डेटा को इनकोडेड वर्जन में कन्वर्ट करता है। अभी जो प्लेन टेक्स्ट है इसे हम अनइनक्रिप्टेड डेटा भी कहते हैं। व्हेन व्हिच इज एनक्रिप्टेड यूजिंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड एन एनक्रिप्शन की, जिसे वापस से डिकोड किया जा सकता है एनक्रिप्शन एल्गोरिदम या फिर एनक्रिप्शन की से। द इनकोडेड वर्जन ऑफ डेटा कैन नॉट बी डिकोडेड और रेड बाय एनी एंटिटी। ये जो इनकोडेड डेटा है इसे कोई और नहीं पढ़ सकता अनलेस दे हैव एक्सेस टू इट्स डिक्रिप्शन की। अगर उनके पास उस
डेटा का डिक्रिप्शन की है तो ही वो पर्सन उस डेटा को रीड कर सकता है. द यूजर इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोटेक्टेड थ्रू इंक्रिप्शन मेथड इंक्लूड पासवर्ड्स. अब ये जो यूज़र इंफॉर्मेशन है उसमें पासवर्ड्स आते हैं, बैंकिंग डिटेल्स आती हैं, पेमेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें इस इनक्रिप्टेड डेटा के अंदर आता है. नेक्स्ट आता है आपका बायोमेट्रिक. ये एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन सर्विस है. आप देख सकते हो ये एक डिवाइस है जिसमें आप अपने फिंगर लगा सकते हो इस ग्रीन लाइट पे और आपका फिंगरप्रिंट से ये बायोमेट्रिक वर्क करता है. अब बायोमेट्रिक डिवाइस यूजेस ऑटोमेटेड मेथड्स. ये ऑटोमेटेड मेथड्स यूज करता है किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को जानने का. मींस आपके फिंगरप्रिंट कैन नॉट बी सेम विद सम अदर पर्सन्स फिंगरप्रिंट. सो ये क्या है, ये एक यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रेट है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है जो यूज़ की जाती है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें फिंगरप्रिंट्स आते हैं, आयरिस प्रिंट आते हैं. आयरिस प्रिंट मींस आपके आँखों को स्कैन किया जाता है, फेशियल इमेज फेस को स्कैन किया जाता है, वॉइस रिकॉग्निशन आपकी आवाज़ को पहचाना जाता है. तो ये सारे तरीके हैं बायोमेट्रिक में आते हैं ये सारे. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सन के ये पहले जो है डेटाबेस में सेव किए जाते हैं. मीन्स अगर मेरे ये सारे इन्फॉर्मेशन को कहीं डेटाबेस में सेव किया जाए तो उस इन्फॉर्मेशन को बार बार यूज़ किया जा सकता है. इसलिए जो बायोमेट्रिक है ये एक बायोलॉजिकल मेथड है किसी भी पर्सन को वेरीफाई या फिर आइडेंटिफाई करने का. इफ़ द इनपुट मैचेस विद द डेटाबेस, अगर इनपुट जो है डेटाबेस से मैच कर रहा है तभी उस पर्सन को एक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. ऑथेंटिकेटिंग अ पर्सन्स आइडेंटिटी यूजिंग अ बायोमेट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स अ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन. अगर आप किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो तो उस पर्सन को वहाँ खुद ही प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी उस पर्सन का बायोमेट्रिक मैच होगा. अगला आता है पासवर्ड. यू कैन प्रोटेक्ट सेंसिटिव एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन यूजिंग पासवर्ड. जो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आप पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो. पासवर्ड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फाइल्स को एक्सेस करने से किसी भी अनऑथराइज पर्सन के. पासवर्ड में आपको स्ट्रिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं जो जिसमें लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं. पासवर्ड्स क्या करते हैं, ये ऑथेंटिकेट करते हैं यूज़र के एक्सेस को किसी भी डिवाइस पे या प्रोग्राम पे. इफ़ द पासवर्ड एंटर्ड बाय यूज़र मैचेस द कोड, अगर जो पासवर्ड है यूज़र ने जो भी पासवर्ड डाला है वो कोड को मैच करता है डेटाबेस में, देन द यूज़र हैज़ अप्रूवल टू एक्सेस द फाइल और अ प्रोग्राम. तो जो यूज़र है उसके पास अप्रूवल होता है उस फाइल या फिर प्रोग्राम को एक्सेस करने का. द यूज़र पासवर्ड इंश्योर दैट द डेटा इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस. ये जब हम पासवर्ड यूज़ करते हैं तो उससे पता चलता है जो डेटा है वो अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्टेड है. इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ पासवर्ड विच आर ईजी टू मेमोराइज. ऐसे पासवर्ड्स को हमें मेमोराइज करना ईजी होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने चाहिए. आप जो है पासवर्ड हैज मेनी पर्पसेस एंड सम आर लॉगिंग इन टू ऑनलाइन अकाउंट सच एज बैंकिंग, ईमेल, सोशल नेटवर्क एंड सो ऑन, एसेसिंग एप्लीकेशंस, डेटाबेस और नेटवर्क एंड यूजिंग एटीएम कार्ड्स एंड विड्रॉल मनी और शॉप ऑनलाइन. तो इन सब में आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसे आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉग इन कर सकते हो. नेक्स्ट कम्स बैकअप. बैकअप इज अ कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर विच कैन हेल्प यू टू रिट्रीव द ओरिजिनल डेटा. बैकअप क्या है, ये एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की कॉपी है जिससे आप ओरिजिनल डेटा को रिट्रीव कर सकते हो. अगर आपने गलती से उस डेटा को डिलीट कर दिया या फिर खो दिया तो आप बैकअप ले सकते हो. इफ़ इट गेट्स इन्फेक्टेड बाई वायरस, इट इज़ रिकमेंडेड टू इनक्रिप्ट द डेटा बैकअप इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू इट. डेटा बैकअप को जो है हमें जो है कंफर्म रखना चाहिए. मीन्स डेटा बैकअप को हमेशा रखना चाहिए ताकि हम अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को फटाफट रिकवर कर सकें. नेक्स्ट इज कुकीज़. अ कुकी इज़ अ स्मॉल फाइल दैट इज़ ऑटोमेटिकली सेंड बाय अ वेबसाइट टू द यूज़र कंप्यूटर थ्रू अ वेब ब्राउज़र. ये एक छोटी फाइल होती है जो कोई भी वेबसाइट यूज़र के कंप्यूटर में भेज देती है. वेल इट इज़ कनेक्टेड टू द सेम वेबसाइट, जब वो उस वेबसाइट पे कनेक्ट होती है.
It stores the user's specific data as a text file. या user का जो specific data है उसे text file के रूप में रखता है. Cookies are generally stored for later use. इन्हें बाद के use के लिए रखा जाता है. कुछ examples यहाँ पे दिए गए हैं. When you want to log into your email account, you will find that the required website opens with your email. जब आप किसी email account में login करते हैं, आप क्या देखेंगे कि जो दी गई website है, वो उस ईमेल आईडी से ही डिस्प्ले होने लगती है. Hence it saves your time to re-enter the email ID. तो ये फ़ायदा है, आपको ईमेल आईडी बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा. जब आप रीविजिट करते हो किसी ऑनलाइन शॉप पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे वेबसाइट पे अगर आप जाते हो दोबारा से, तो आप क्या देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता आपके डेटा को जो आपने लास्ट टाइम एंटर किया था. तो इससे क्या होगा, आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिकॉल हो जाते हैं और आपका लास्ट सेशन शो करने होता है. All cookies basically consume customize the web page for a user as per their personal interest. जितने भी cookies हैं वो किसी भी user के interest के according web page को personalize कर देते हैं. Therefore, cookies are harmless file. ये harmless files होती हैं. However, if a computer system is used by multiple people, लेकिन अगर एक computer system को बहुत सारे लोग use कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, the person can scan the cookie folder in of other user and may try to look for password and sensitive document. तो वो person आपके cookies folder में से जाके आपके sensitive content को ले सकता है, आपके passwords को ले सकता है और hack कर सकता है आपके account को. So it is advisable to delete the cookies at frequent intervals in order to avoid any privacy threat. किसी भी तरीके का privacy threat ना हो, इसलिए आपको अपने cookies जो है उसे time time पे delete कर देनी चाहिए. डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है ये? एज यू नो, फुटप्रिंट इज द इम्प्रेशन लेफ्ट बाय अ फुट और शू ऑन द ग्राउंड और अ सरफेस. फुटप्रिंट का मतलब होता है अपने पैरों के निशान कहीं पे रखना. सिमिलरली, अ डिजिटल फुटप्रिंट इज एन इम्प्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन दैट एग्जिस्ट इन द इंटरनेट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी. अब फुटप्रिंट, अगर हम डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें, तो ये एक ऐसा फुटप्रिंट है जो कोई पर्सन अपना फुटप्रिंट छोड़ता है अपनी किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी से. दिस इज द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ऑनलाइन लाइक फिलिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. अभी किस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, ईमेल अटैचमेंट पे आपने लॉगिन किया, ऑनलाइन शॉपिंग की, कमेंट किया किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, अपलोड की वीडियोस, डिजिटल इमेज डाली, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स में आ जाती हैं. इसमें आपके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाती है. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डेटाबेस में लॉग हो जाता है. अब डिजिटल फुटप्रिंट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल डॉजियर. डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी कैटेगराइज इन टू एक्टिव एंड पैसिव डेटा ट्रेसेस. इसे हम एक्टिव और पैसिव डेटा ट्रेसेस में कैटेगराइज कर सकते हैं. The active ones are those data traces which the user leaves intentionally. ये एक ऐसे active data traces है जो user खुद से छोड़ता है. The email, chat, Facebook and blog posts are some of the ways with which a user can create active digital footprint. ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे user digital footprints को create करता है. Passive data trace क्या करता है, connect to an individual are generated by others and gathered through the user's online activity without his knowledge. तो ये जो passive data traces है ये user के knowledge के बिना create किए जाते हैं. Few activities which create passive data traces include surfing the sites for searching information, online shopping, etc. Now children, let's learn about the implication of digital footprints. As discussed above, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ऑल द ऑनलाइन एक्टिविटीज लीव बिहाइंड फुटप्रिंट्स और इंफॉर्मेशन ट्रेसेस. जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज हम करते हैं वो सारे क्या हैं, आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसे जो है वहीं छोड़ देता है. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पॉजिटिवली भी यूज़ किए जा सकते हैं और नेगेटिवली भी लोग यूज़ कर सकते हैं आपके खिलाफ. सो किसी भी ऐसी चीज़ में इंडल्ज होने से पहले वन शुड थिंक ओवर इट्स आउटकम. किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले उसके फ़ायदे नुकसान दोनों देख ले. कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करने चाहिए जब हम ऑनलाइन होते हैं. नेवर पोस्ट एनी सिली और अब्यूसिव कमेंट. किसी भी फालतू सी बात को पोस्ट ना करें या फिर किसी अब्यूसिव कमेंट को पोस्ट ना करें.
tune the privacy setting of your social media account in way that your family or your friends can see post and picture. अपने privacy को ऐसा कर दे कि आपकी family और friends ही आपके post को देख पाएं. Don't log on to an inappropriate website. किसी भी inappropriate website पे login ना करें. Do not upload an inapt picture. की कोई भी खराब picture means जो सही ना हो ऐसे picture upload ना करें. Avoid accepting the friend request from strangers. Strangers से friend request accept ना करें. Be vigilant and extra cautious. बहुत ज़्यादा vigilant हो हमें cautious होना है while being online. As your carelessness or ignorance may generate negative digital footprint. अगर आप careless हुए तो हो सकता है आपके खिलाफ कोई negative digital footprint create हो जाए जो कि आपकी reputation को ख़राब भी कर सकती है. It can even affect your chance of gaining admission in a prestigious college or getting a job. और हो सकता है इस इमेज की वजह से आपको किसी अच्छे कॉलेज में या फिर जॉब में आपको एडमिशन ना मिले. सो चिल्ड्रेन लेट्स रिवाइज वॉट एवर वी हैव लर्न हियर. द वर्ड एथिक्स रिफर्स टू मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. साइबर क्राइम रिफर्स टू एन अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क. स्पैमिंग रिफर्स टू सेंडिंग बल्क ईमेल्स इनडिस्क्रिमिनेटली. मोस्टली स्पैम carries advertisement. Cyber stalking refers to crime that use internet or a computer to stalk or harass a group, an organization, particularly an individual. Cyber stalking is also known as e-stalking. A person who commits a cyber or a crime of cyber stalking is known as cyber stalker. The act of harassing, embarrassing and threatening or targeting a person using a computer and internet is called cyberbullying. Cyberbullying is also known as cyber harassment or online bullying. Intellectual property refers to the rights given to people over creation of the mind. The copyright is a legal term that protects the right of literary, dramatic, musical, artistic, and original works. The act of stealing someone else's intellectual property is known as plagiarism. Computer virus stands for vital information resource under seized. Cyber terrorism occurs against organizations, individuals, business houses, and even against government establishments. Now let's move on to check yourself. This is a book exercise. Let's move on to a part which is take the correct option. So first question over here is dash refers to an unethical or illegal activity that involves a computer and a network. So it is cyber crime. The act of stealing someone else's intellectual property is known as plagiarism. So do the rest to children yourself. And this fifth one is also to be done by yourself children. Now let's move on to fill in the blanks. First one is cyberbullying is also known as cyber harassment or online bullying. Cyber stalking is also known as e-stalking. The rest of the questions, question number 2, 4 and 5, you have to do yourself. Next comes true or false. The safety of data is of utmost importance. Yes, this is correct. Firewall software follows a set of rules that determines what can enter or leave a network. True. Protecting a computer and its data against a virus attack has become one of the top priorities of our era. Yes, this is also correct. Rest two are your homework. Now children, let's move on to answer the following questions. Here the first question is, what do you mean by computer ethics and write any two computer ethics? So computer ethics is a set of procedure, values, or practice that regulates the computer. Two, computer ethics are that never steal someone else's data and do not copy anybody else's original products.
Now, second one, what are intellectual rights? Explain any two. So, people over creation of mind are called intellectual creations. Means the people who create according their basic creation, you can say. These type of creations are called intellectual creations. They create using their own mind. And the two of them are copyright and trademark. So the first one, copyright is used, means this type of this ethic, this right is used with literary devices, means any type of literary device cannot be copyrighted by any of the organizations without taking any written permission from that original person. Trademark means trademark helps people to preserve their logos or identities, and so that no other person can copy or use their trademarks. So now, children, the third question is, what is an antivirus and what task does it perform? So antiviruses are such type of programs that helps to remove viruses from our computer. Next is, what is firewall? What role does it play? And define the term digital footprint. So you have to do the remaining questions, children, yourself. I hope it's clear to you. And with this, we have completed the chapter. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.